स्वागत है आप सभी का लाइव 10 न्यूज में। इस वक्त की सबसे बड़ी चौंकाने वाली और दुखद समाचार पटना से आ रही है। बात यह है कि 4 नए मरीज जो कोरोना से संक्रमित है पाए गए हैं। इन चारों मरीजों में से 3 नालंदा जिले के हैं और 1 मुंगेर का है। प्रधान सचिव संजय कुमार ने अपने ट्वीट में ये जानकारी हमसे साझा की और उन्होंने ये भी बताया कि जो 3 मरीज नालंदा के मिले हैं उसमें से 25 और 35 साल की 2 महिलाएं शामिल हैं, जबकि एक बुजुर्ग भी है जो जिनकी उम्र 60 साल के आसपास बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर मुंगेर से 1 संक्रमित व्यक्ति पाया गया है। अब आंकड़ा बिहार में 66 से जाके 70 पे पहुंच गया है। बात गंभीर है, चिंताएं होना स्वाभाविक है। भारत में कल ही प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का, तो इसका असर भी देखने को मिल रहा है। और ये क्यों जरूरी था ये समझ में बात आ रही है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं लोग अपने आप को छिपाए हुए हैं या फिर यूँ कह लें कि सामने नहीं आ रहे लक्षणों होने के बावजूद। और अब तो असिम्प्टोमेटिक भी लोग पकड़े जा रहे हैं कोरोना संक्रमण के दायरे में, यानी बहुत लोगों में सिम्टम्स दिखाई नहीं पड़ रहा है। हो सकता है इन वजहों से इन चंद दिनों में इनके ट्रेसिंग ना हो पाई हो जो अब सामने आए हैं। माजरा जो भी रहा हो, स्वास्थ्य विभाग ने इस बात को स्पष्ट किया है, क्लियर किया है कि जो कोरोना के 3 मरीज नालंदा जिले से पाए गए हैं उनका कनेक्शन पुराने मरीज से है, यानी जो विदेश से आया हुआ संक्रमित व्यक्ति था उन्हीं की वजह से इन तीनों के अंदर भी संक्रमण फैला, यानी ट्रेसिंग कर लिया गया है। थर्ड स्टेज वाली बात यहाँ भी नहीं है। मुंगेर से भी 1 व्यक्ति पाया गया, तो इस तरीके से 70 टोटल आंकड़ा पहुँच गया। और यही है इस समय की सबसे बड़ी खबर। अब देखना ये है कि दिन रात हमारी सेवा में हमारे जान को बचाने के लिए जो स्वास्थ्यकर्मी लगे हुए हैं और प्रशासनिक स्तर पर सरकारें भी चिंतन कर रही हैं कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए, इन आंकड़ों के सामने आने के बाद अब नया कदम उनका क्या होता है। इन्हीं आंकड़ों के साथ अब तक की प्रस्तुति में यहीं तक। अगले न्यूज़ के लिए भी लगातार